रफाल फाइटर जेट जो कि इंडियन एयरफोर्स की इस वक्त की सबसे मॉडर्न फाइटर जेट है, भारत अब रफाल के अंदर भी Su-30 MKI जैसे इंडिजीनियस वेपन को ऐड करने की ओर अपना कदम बढ़ा चुकी है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा डसॉल्ट रफाल को इंडियन रफाल में इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र और एयर टू ग्राउंड सॉ को इंटीग्रेट करने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बोला है, जहां पर इस दोनों वेपन के बाद अस्त्र MK-2 और ब्रह्मोस NG की बारी आएगी, जिसे रफाल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और इस इंटीग्रेशन से रफाल की फायर पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।